हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं मनोज जोशी अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मनोज एमएलटी। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो इंस्ट्रूमेंट पर हम आज काम करना सीखने वाले हैं, उसका नाम है साइंटिफ्यूग मशीन। तो हमारी जो रेमी R8C प्लस जो साइंटिफ्यूग मशीन है, आज हम उसमें कैसे हम उसमें उसको ऑपरेट करते हैं आज हम सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं रेमी R8C प्लस साइंटिफिक मशीन को कैसे हम ऑपरेट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये हमारी रेमी R8C प्लस साइंटिफिक मशीन है। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ से इसका बटन है, स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन कर दिया है मैंने। यहाँ से स्विच ऑन करने के बाद ये आपको इस तरह की दिखती है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह का दिखेगा। ये इसकी डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे बटन आपको दिख रहे हैं ऑप्शन। यहाँ ये स्टार्ट करने के लिए है, ये आपका RPM और टाइम सेट करने के लिए आपको प्रेस करना है, और यहाँ से आप RPM और टाइम घटा और बढ़ा सकते हैं। ये घटाने के लिए है, ये बढ़ाने के लिए, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैं इसके अंदर साइड से आपको दिखा देता हूँ, इसको लेड ओपन करके। ये ध्यान रहे कि ये मशीन में जो इसकी लेड है, तो इसको आप जब ये ऑफ होता है तब खुलता नहीं है, ठीक है। जब ये ऑन हो जाएगा तभी खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ओपन करना है इसको, ठीक है। ये ओपन किया और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये हेड है इसका, ये हेड है, हेड में ये सैंपल होल्डर लगे हुए हैं, ठीक है। एक बार में हम इसमें 8 सैंपल को सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका हेड है और इसमें एक बार में हम 8 सैंपल सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। मैं आपको बैलेंस बना के रखना है, एक दूसरे के सामने उनका बैलेंस बना के रखना है, जो भी सैंपल आप रखते इसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं आमने सामने रखना है, ठीक है। और इसमें सिंगल ट्यूब को आपको सेंट्रीफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि बैलेंस गड़बड़ा जाएगा तो इससे इसमें इंटरनल दिक्कत आ सकती है, ठीक है दोस्तों। तो ये है इसका इंटरनल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और अब इसमें मैं एक बार आपको सैंपल रख के आपको सेंट्रीफ्यूज करके भी दिखाता हूँ। एक बार मैं इसमें सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करके आपको दिखाऊँगा। एक ये मैं किसमें इस सॉरी एक इस साइड डाल दूंगा और ठीक इसके सामने मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है जो इसके सामने, ठीक है, दोनों आमने सामने मैंने डाल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप, दोनों आमने सामने डाल दें, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। अब हम इस लेट इसका लेट ऑफ बंद करेंगे, क्लोज करेंगे, ठीक है। इसको क्लोज करने के बाद दोस्तों, और यहाँ पर आपको RPM सेट करना है, ठीक है। इससे हम RPM सेट करेंगे, ये प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहले सबसे पहले RPM सेट करने के लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर से हमें इसको 3500 में मैं RPM सेट करूँगा इसका, ठीक है। ये यहाँ पर से हमें कम करना है इसको, ये 4000 है, इसको कम करूँगा मैं, 3500 करूँगा इसको, सी 3500 मैंने इसका RPM कर दिया है। फिर से इसी बटन को प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर टाइम, ये टाइम डालना है, इसे भी मैं कम करूँगा 3 मिनट, ठीक है, ये 3 मिनट। आप यहाँ से इसको बढ़ा भी सकते हैं, ये घटाने का है और ये प्लस जो है बढ़ाने का, ठीक है। यहाँ से बढ़ाएंगे और यहाँ से घटा देंगे, ठीक है। और RPM में भी सेम ऐसे ही रहेगा, RPM में भी ठीक ऐसे ही रहेगा, ये घटाने का है और ये बढ़ाने का है, ठीक है। तो अब मैंने इसको 3 मिनट करना है, ये मैंने इसको कम करा और ये अब सेट कर देंगे, ठीक है। अभी सेट हो चुका है, अब ये स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, ये दोनों लाइट ब्लिंक करने लगी है। तो इसमें अब हम इससे प्रेस कर देंगे, ये जो है इसको प्रेस करेंगे और ये स्टार्ट हो चुकी है, हमारा साइंटिफ्यूग होना स्टार्ट हो चुका है। तो ये धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, इसका RPM जो हमने सेट कर रखा है उस RPM में फिर ये कंटिन्यू साइंटिफ्यूग होते रहेगा, ठीक है। ये देखिए आप, जैसे कि आपको दिख रहा है 1000 RPM पहुँच चुका है, 1230, ये ऐसे बढ़ते जाएगा और 3 मिनट तक का ये सेंट्रीफ्यूज हुआ, उसके बाद खुद ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं,
इसका टाइम भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर एक मिनट कंप्लीट हो चुका है, दो मिनट बचे हैं अभी इसमें, अब एक मिनट बचा हुआ है और ये टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब ये धीरे धीरे आरपीएम इसका घटते रहेगा और लास्ट में जीरो हो जाएगा और आपका सेंट्रीफ्यूग स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो हमने टाइम सेट किया है, आरपीएम सेट किया था, वो हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है, तीन मिनट के लिए हमने रखा था, अब धीरे धीरे ये थोड़ी देर में रुक जाएगा। ठीक है, इसका आरपीएम जीरो हो जाएगा और ये रुक जाएगा। ठीक है, ये एंड। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज हो चुका है हमारा, अब ये यहाँ से अब हमें क्या करना है, इसे ओपन करना है। ठीक है, ये बटन यहाँ अपनी साइड को प्रेस करना है और ये ओपन हो जाएगा और यहाँ से हमारे सैंपल हैं, ये हमारे, हम देख लेते हैं इसको, और यहाँ पर हमारा सेंट्रीफ्यूग हो चुका है। ठीक है, तो हमें इनको निकाल देना है और इसे अब क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारा रेमी एट आर एट सी प्लस सेंट्रीफ्यूग मशीन, जिसमें हमने आज सीखा इसे हम कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे हम इसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं सैंपल्स को। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल में पहली बार हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी वीडियो मैं अपने चैनल में अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। थैंक यू दोस्तों।